Assalamu alaikum, this is me, Mehrosh Mahmood, and you're listening to me on Little Happiness with Mehrosh. Today's video is going to be all about meal preparation and meal prepping, along with some useful tips for the kitchen. Meal preparation and meal plans combine to give you homemade happiness plus homemade food. जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं. अगर तो आपको ये सीरीज मेरी अच्छी लग रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, अगर नहीं तो आज मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा. कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और आज का सवाल ये है, नेम एनी फाइव शेप्स. एज यूजुअल वीडियो के एंड में आंसर बताऊंगी. पर्पस ये है कि मेरी और आपकी थोड़ी सी लर्निंग हो जाए, क्योंकि काफी ऐसी नॉर्मल सी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती. तो चलें अपनी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैं हॉट एंड सावर सूप के लिए चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ. 750 ग्राम हड्डी वाला चिकन लिया था, हड्डियाँ अलहदा कर ली थी, उसकी मैं यखनी बना लूँगी और मीट अलहदा कर लिया था. इसको अब हम मैरिनेट करेंगे. 3 टेबलस्पून सोया सॉस. बस चार चीज़ें शामिल करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करना. थ्री टेबल स्पून चिली सॉस एंड सॉल्ट टू टेस्ट, जायके के हिसाब से नमक, पेपर टू टेस्ट, काली मिर्च जायके के हिसाब से. गिव इट अ रियली नाइस मिक्स. इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले. अब या तो आप इसको फ्रीज कर लें जब आपको सूप बनाना हो, निकालें, डिफ्रोस्ट करें और सूप में डाल लें, या फिर 30-60 मिनट्स की मैरिनेशन दें और सूप बना लें. इसकी रेसिपी जल्दी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी. चलते हैं नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ. अब मैं बटर चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ. 1 किलो चिकन लिया है मैंने हड्डी वाला. वैसे तो बटर चिकन आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन वो बोनलेस चिकन के साथ था. सबसे पहले मैरिनेशन कर लेंगे. लेमन जूस 1.5 लेमन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, और अब इसमें 1 कप दही शामिल कर दूंगी मैं. गिव इट अ गुड मिक्स. और अब मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसे फ्रीज कर लूंगी. जब मुझे ज़रूरत होगी फ्रीज़र से निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और सीधा चूल्हे पे. इसकी रेसिपी भी जल्द अपलोड करूंगी, लेकिन अगर बोनलेस चिकन के साथ आपने देखना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन पे भी शो हो जाएगा. तो मूली का सीज़न आ गया. देखें कितनी फ्रेश ताज़ा हरी भरी मूली है और इतनी बिग है. देखें यहाँ से मेरे हाथ से शुरू करें, पूरा तकरीबन मेरे बाजू से भी, कोनी से भी आगे जा रही है. इसके हम जो पत्ते हैं वो अलग रख देंगे, फेंकते नहीं है, क्योंकि थोड़े से पत्ते हम बीच में शामिल करेंगे. इसके पहले छिलके उतार लेने हैं और आप इसको 3 या 4 हिस्सों में कट कर लेना. कटिंग के बाद ये ग्रेटर के 2 हिस्से हैं, ये बारीक वाला है और ये मोटे वाला है. मैं मोटे वाले से ग्रेट करूंगी ताकि मुंह में क्रंच आए. अगर सब्जी पतली रहेगी तो वो बाइट साइज में मज़ा नहीं आएगा. आप इसकी थिकनेस चेक अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसका पानी निचोड़ लेंगे. 1/4 टीस्पून नमक. गिव इट अ गुड एंड नाइस मिक्स. बस 5 मिनट के लिए अब इसको रख देना है ताकि इसका पानी निकल जाए. ये जो पानी निकलेगा ना, इसमें मूली का थोड़ा सा कड़वापन भी निकल जाएगा. एट द सेम टाइम अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो बेलते वक्त या पकाते वक्त आपका पराठा फट सकता है. अब जब हम निचोड़ते हैं ना तो पानी के साथ थोड़ा सा नमक भी बह जाता है, तो बेस्ट ये है कि आप चख लें फिर जायके के हिसाब से और ऐड कर लें. और इस पानी को आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, जो आपने आटा गूंदना है ना उसमें शामिल कर लेना. अब बारी है कुछ स्पाइसेस की. 1/2 टीस्पून पिंक हिमालयन सॉल्ट, 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च दड़ा मिर्च, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाजमे के लिए गैस नहीं होने देती है, 1/2 टीस्पून अदरक फाइनली चॉप, 2 हरी मिर्चें ली थी फाइनली चॉप. आपकी मर्ज़ी है, आपने अदरक डालना तो डालें, मुझे अदरक मूली के पराठों में बहुत अच्छा लगता है.
मूली और अजवाइन का आपस का साथ है। जहाँ मूली जाएगी अजवाइन वहाँ पर लाजमी डाली जाएगी। दो तीन पुदीने की डंडियाँ ली हैं, इसके पत्ते उतार के वो शामिल कर देंगे। और जो मूली के पत्ते शुरू में हमने साइड कर दिए थे वो बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। और अब इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इस वक्त रात के 7:45 हो रहे हैं। सुबह नाश्ते में फिर इसके मैं पराठे बनाऊँगी। तो अगर आप मसरूफ़ हैं मेरी तरह, एक दिन पहले या दो दिन पहले कद्दूकश करके रख सकते हैं और फिर अगले दिन आपको जब टाइम मिले इसके पराठे बना सकते हैं। सर्दियाँ हैं, ख़राब नहीं होगी, पानी भी नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें मिर्च मसाले सब कुछ डले हुए हैं। नेक्स्ट रेसिपी बर्गर्स की है। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे। किसी भी रेसिपी की जो मैरिनेशन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पास 10 बोनलेस चिकन के पीस थे जिनको मैंने इस शेप में, इस साइज़ में काट लिया। तकरीबन होगा कोई ये 100 ग्राम चिकन। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून पीसी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून बारबेक्यू सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसको एक कंटेनर लूंगी और इसको फ्रीज कर दूंगी। जब मुझे चिकन चाहिए होगा मैं निकालूंगी इसको, बस डीप फ्रॉस्ट करूंगी और इसको मैं अपने बर्गर्स में यूज़ कर लूंगी। नूडल्स किसे नहीं पसंद, मेरी बेटी को तो स्पेगेटी बहुत पसंद है, तो बस अब उसी के लिए चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। यहाँ पे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पीसी काली मिर्च, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 अंडे की सफ़ेदी एग वाइट, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह मिक्स करके कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम देना है। आपने सर्दी है तो बाइट चिकन को पड़ा रहने दें, अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। और अब मैं यहाँ पे चिकन मलाई बोटी बर्गर्स बना रही हूँ, उसके लिए चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले हम अपने चिकन की मैरिनेशन करेंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। 1 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है। यहाँ पे 1 कप मैं शामिल करूँगी इसमें दही। मयरिंग कप मैंने यूज़ नहीं किया इसके लिए, बस अंदाजे से ही डाला है। 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट आएगा, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पीसी काली मिर्च, 1 टीस्पून पीसा सूखा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये मैरिनेशन वाला जो स्टेप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैरिनेशन सही हुई हो ना तो आप इस चिकन को किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। यही चिकन आप सैंडविचेस में डाल दें तो चिकन मलाई बोटी सैंडविचेस बन जाएंगे। यही चिकन अगर आप पास्ता में डाल दें तो चिकन मलाई बोटी पास्ता बन जाएगा। यही मैरिनेशन अगर आप हांडी में डाल दें तो मलाई बोटी हांडी बन जाएगी। इस स्टेप पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है। अगर ये वाला स्टेप आपका अच्छा बन गया तो आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। कितनी रेसिपीज़ मैंने आपको बता दी हैं, सैंडविच, बर्गर, हांडी, पास्ता, तो माशाल्लाह आपके एक मैरिनेशन से काफ़ी रेसिपीज़, काफ़ी डिशेस बनके तैयार हो जाएंगी। आपने इस स्टेप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और इसको मिनिमम 1 आवर के लिए आपने मैरिनेट करना है। अगर तो आपने इसको अभी बनाना है तो फिर 1 घंटे की मैरिनेशन देंगे, और अगर वीकेंड पे बनाना है फिर आप इसे फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च वगैरह कुछ शामिल नहीं किया। अब यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ, इसमें धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, लीमू, टमाटर और हरी मिर्चें, ये 7 चीज़ें डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। फिर एक आइस ट्रे ले ली थी, उसमें डाल के फ्रीज़ कर दूँगी, क्यूब्स बन जाएंगी इसकी। फिर स्टोर कर लूँगी, जब ज़रूरत होगी 1-2 क्यूब्स निकाले और अपनी डिज़ायर्ड रेसिपी में डाला। ट्रस्ट मी, आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। बहुत हैंडी रहता है, टाइम बहुत सेफ हो जाता है इससे। और ये करें, हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो फ्रीज़ हो गई है, इसकी क्यूब्स चेक करें आप।
चेक आउट। कितनी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी लग रही है ना ये। और बस ये रेडी है, जब भी आपने चटनी बनानी हो, रायता बनाना हो, म्यूनिस निकालें, दही निकालें, उसमें एक क्यूब डालें और आपकी मज़े की एक डिपिंग सॉस तैयार हो जाएगी। दही में डाल के रायता बना सकते हैं, म्यूनिस में डाल के बर्गर सॉस या सैंडविच सॉस के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं या आप ऐसे ही इसे इंटेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और बस अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के या जिपर लॉक या जिपर बैग में डाल के फ्रीज कर लें, स्टोर कर लें। और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इस एक वीडियो ने मुझे आज इतना खपाया ना, इस एक वीडियो ने आज मेरा बहुत टाइम लिया है। आपको तो ये 12-13 मिनटों में मिल गई है आसानी से, लेकिन इस पे मेरे 12-13 घंटे लगे हुए हैं। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना तो हक बनता है ना मेरा। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताया करें कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी आप सीखना चाहते हैं। लास्ट मैरिनेशन मेरी चिकन टिक्का की है जो मैं तवे पे बना रही हूँ। बोनलेस चिकन 100 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 लहसुन के जवे, 3 हरी मिर्चें और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। तीनों को मोटर पेसलर चटुवटे में डाल के फ्रेश कूट लिया था। 1 टेबलस्पून है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। घर के आम बहुत बेसिक से मसाले लिए हैं। 1/2 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर आपने लास्ट में डालना है, चाहे वो येलो हो चाहे ऑरेंज हो, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा। देखिए अभी से कितना प्यारा कलर आ गया। बस इतना सा हमारा काम था। बस अब आप इसे फ्रीज कर लें या फिर 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद तवे पे फ्राई कर लें। ऑलराइट, तो वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था मैंने, नेम एनी 5 शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, डायमंड, हार्ट, ओवल। दैट्स इट। वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट लाजमी करें और मुझे बताएं कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।